हाय दोस्तों, अभी जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 2 BHK का फ्लैट है। प्रोजेक्ट का नाम है गोदरेज ब्लिस। ये कांदिवली ईस्ट में लोखंडवाला के पास अभी अभी लॉन्च हुआ है। हाय दोस्तों, मैं विकास बरनवाल, CP यानी ऑथोराइज चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। हम लोग 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं। और आइए, जिस प्रोजेक्ट का मैंने दिखाया है उसका फ्लैट देखते हैं, साइजिंग, प्राइजिंग, PDF और वीडियोस के जरिए। फिर आगे और डिटेल, कनेक्टिविटी, साइजिंग सब जानेंगे, साथ ही साथ क्या एमिनिटीज है वो सब भी जानेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, गोदरेज कंपनी आप जानते हैं, कम से कम 150 साल पुरानी कंपनी है और मार्केट में बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है ये। तो उनके द्वारा ही उनका एक कंस्ट्रक्शन में सेगमेंट है गोदरेज प्रॉपर्टी, जो करीबन 25-30 सालों से काम कर रही है। इसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप करते हैं, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में काम करते हैं। भी उनका ही एक लॉन्च हुआ है नया प्रोजेक्ट, गोदरेज ब्लिस G+39 स्टोरी टावर है। और भी मैं डिटेल बताता हूँ, पहले मैं फ्लैट दिखाता हूँ आपको, 2 BHK का और 1 BHK का किस टाइप का है, उसके बाद फिर और प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। साथ ही साथ एक इसमें अट्रैक्टिव ऑफर है पेमेंट प्लान में, जो मैं लास्ट में बात करूंगा। वैसे तो मैंने लॉन्चिंग वीडियो डाला है, अभी मैं फ्लैट के साथ में ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो उसमें मैं पेमेंट प्लान आपको बताता हूँ कि इसमें क्या अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान है बायर्स के लिए। आइए पहले 2 BHK का फ्लैट देखते हैं। यहाँ से इसका 2 BHK स्टार्ट हो रहा है और आप देखें थोड़ा L शेप में इसका है। ये पहले डाइनिंग एरिया है, इसके बाद आपको इस तरफ लिविंग एरिया दिया हुआ है। करीबन 650 स्क्वायर फुट के आसपास इसका कारपेट एरिया है और एक 4x10 4 फुट बाय 10 फुट का इसका एक बहुत ही खूबसूरत बालकनी दिया हुआ है। जनरली आज के डेवलपमेंट में बालकनी देखने को मिलता नहीं है। यह आप देख सकते हैं हॉल की लेंथ। और फ्लैट के अंदर एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने किचन दिया है। स्टार्ट में फ्रिज का स्पेस, गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म और इन्होंने वॉशिंग मशीन के लिए भी बहुत ही खूबसूरत प्रोविजन किया हुआ है। आप देखें बाहर करीबन 3 फुट का इसका वॉशिंग मशीन का ड्राई एरिया इन्होंने दिया हुआ है। 1 BHK का साइज की बात करूं तो इसमें 450 से 450 स्क्वायर फुट का 1 BHK बना रहे हैं ये। ये इसका हमने लिविंग डाइनिंग और किचन देखा। आगे में इसका कॉमन वॉशरूम, मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में जो इन्होंने कंसेप्ट, पहले बेसिन के बाद कमोड, उसके बाद बाथ एरिया दिया हुआ है। बाथ एरिया को आप यहाँ से ग्लास में कवर कर सकते हैं, चाहे तो अगर इसको सेपरेट करना हो तो, कभी नहाते वक्त बाहर छींटे ना आए उसके हिसाब से। ज़्यादातर बहुत सारे डेवलपर में मैंने देखा है कि ये कांच का ग्लास लगाते हैं, बट यहाँ पर उन्होंने लगाया नहीं है। आप अपने इंटीरियर डेकोरेटर्स वाले से बोल सकते हैं लगाने के लिए। दूसरा आपको बता दूं, ये जो फ्लैट है इन्होंने फर्नीचर करके एज ए डेमो फ्लैट बनाया हुआ है। स्पेस आपको फ्लैट का इतना ही मिलने वाला है, बट आपको जो एक्चुअल फ्लैट मिलेगा वो इतना फर्नीचर उसमें नहीं रहेगा। वो आपको जो मिलेगा नॉर्मल वर्क करके, नॉर्मल फ्लैट जो डिलीवरी में मिलता है वैसा मिलने वाला है। तो उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ कॉमन बेडरूम में। कॉमन बेडरूम में आप देख सकते हैं जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है वैसा ही आपको मिलने वाला है। एक काफ़ी बढ़िया एक स्पेस इन्होंने दिया हुआ है। 10x11 का बेडरूम है और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 5x6 का बेड डालने के बाद या 6x6 का बेड डालने के बाद इस तरफ आपका साइड टेबल, स्टडी टेबल, TV यूनिट एरिया, ये सब लगाने के बाद भी एक अच्छा खासा स्पेस आपका इसमें कवर हो रहा है। 4 से 5 फुट का स्पेस आपको मिल रहा है, जबकि एक वार्डरोब भी 2 से 2.5 फुट डेप्थ का यहाँ पे बना हुआ है। इसके बावजूद भी आपको बहुत अच्छा स्पेस यहाँ पे दे रहे हैं। ये मैंने आपको कॉमन बेडरूम बताया, अभी मास्टर बेडरूम देखते हैं। मास्टर बेडरूम यहाँ से इसका स्टार्ट हो रहा है। एंट्री करते ही आपको राइट हैंड साइड पे वॉशरूम मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं उन्होंने कांच का ग्लास खड़ा किया है। यहाँ पे आप ग्लास का डोर भी, स्लाइडिंग डोर भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे भी कंसेप्ट सेम उन्होंने किया है, बीच में कमोड, बेसिन फर्स्ट और उसके बाद लास्ट में बाथ एरिया दिया हुआ है। हाइट वगैरह जो फ्लैट का सीलिंग का है वो सेम आने वाला है। ये इसका मास्टर बेडरूम है। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ मास्टर बेडरूम की साइज़ क्या है। एक बार उस वॉल से आप वॉल टू वॉल देख लें
कि ये लेंथ आपको मिलेगा, लेंथ इन द सेंस उसके पीछे कैमरे के पीछे वार्डरोब है, और यहाँ पे हर एक बेडरूम में आपको बाहर की ओर छज्जा मिलने वाला है, जहाँ पे आपको अगर सोसाइटी परमिशन देती है तो बाद में ग्रिल लगा के उसे कवर कर सकते हैं। और अब मैं विंडो के साइड से बात करूं तो एक 2 से 2.5 फुट का डेप्थ का आप देख सकते हैं यहाँ पे वार्डरोब बना हुआ है। इसके बावजूद एक 6x6 7x6 का बेड लगा हुआ है। इधर देखने तो आपको टीवी यूनिट, ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल, उस तरफ भी साइड टेबल, ये सारा फर्नीचर बनाने के बाद भी मास्टर बेडरूम में एक 3 से 4 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। तो एक प्रॉपर साइज इन्होंने कवर किया हुआ है। और बता दूं यहाँ का अट्रैक्शन व्यू का काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आपको संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू आपको सीधा सीधा मिलता है हायर फ्लोर से, और दूसरी तरफ आपको हाईवे मिलता है, तीसरी तरफ आपको कांदिवली ईस्ट लोखंडवाला का व्यू मिलता है। तो व्यू भी यहाँ से बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं आपको 2BHK का अंदर के साइड से पूरा एक बार व्यू करता हूँ, इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसका 1BHK किस टाइप का है वो देखते हैं। यहाँ पे इसका 2BHK ख़त्म हो जाता है। अभी मैं आपको गोदरेज विलेज का 1BHK की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ किस टाइप का है इसका। यहाँ से इसका 1BHK स्टार्ट हो रहा है, और इस तरफ इसका डाइनिंग एरिया दिया हुआ है, इस तरफ इसका लिविंग एरिया दिया हुआ है। स्पेस तो इन्होंने 1BHK में भी बहुत ही बढ़िया दिया है, जनरली जो आज का कंसेप्ट चल रहा है उससे बेटर दिया। और एक बात मैं बताना रह गया, आप इसमें एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो डोर आपको दिया जा रहा है ये फायर रेसिस्टेंस डोर रहेगा गोदरेज की ओर से। साथ ही साथ एप्लीकेशन इस लॉक ऑटोमेटिक लॉक है, इसमें फिंगरप्रिंट्स, कीस एंड नंबर सिस्टम, साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी रहेगा। 4 सिस्टम से आप इस लॉक को ऑपरेट कर सकते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के सारे फ्लैट में ये डोर का सिस्टम, लॉक का सिस्टम रहने वाला है। साथ ही साथ वीडियो डोर फोन भी इसमें आने वाला है, और इसको ये बहुत ही सेफ है, इसका एप्लीकेशन भी बहुत ही सेफ है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का फियर नहीं है, डर नहीं है। आगे देखते हैं 1BHK का कैसा स्ट्रक्चर है। जब आप हॉल से आगे बढ़ते हैं लिविंग डाइनिंग से, तो ये इसका कॉमन वॉशरूम है। इसमें भी आप देखें तो यहाँ पे टॉयलेट और बेसिन एरिया कवर किया है इन्होंने। और इसके आगे जब आप आते हैं तो इधर किचन दिया हुआ है, इसमें गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म, और अंत में एंड में इन्होंने वॉशिंग मशीन का प्रोविजन किया हुआ है। अभी हम चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं 1BHK में किस टाइप का है। जब यहाँ से आप एंटर करते हैं तो मास्टर बेडरूम का एंट्री आप देखें तो मास्टर बेडरूम का एंट्री ये डोर से आपका होता है। यहाँ से एंट्री करने के बाद सबसे पहले राइट हैंड साइड पे आपको वॉशरूम मिल जाता है, जिसमें बाथ एरिया, कमोड एंड बेसिन एरिया दिया हुआ है। और इसके बाद मैं एग्जैक्ट आपको बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। ये साइज आपको बेडरूम का मिल रहा है कॉर्नर टू कॉर्नर। स्ट्रेट देखें तो उस तरफ वार्डरोब बना हुआ है, मैं विंडो के साइड से दिखाता हूँ तो एग्जैक्ट आपको लेंथ पता चलेगा क्या है। यहाँ पे 6x6 या 6x7 का बेड डालने के बाद भी इस तरफ ड्रेसिंग टेबल आ रहा है, इस तरफ टीवी यूनिट एरिया आ रहा है, यहाँ पे साइड टेबल आ रहा है, और इस तरफ आपको 2 से 2.5 फुट डेप्थ का वार्डरोब आ रहा है। ये पूरा सारा कुछ फर्नीचर करने के बाद भी एक करीबन 3-3 फुट का जगह, 2 फुट 3 फुट का जगह चारों तरफ आपको मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। तो प्रॉपर बहुत बढ़िया साइज उन्होंने दिया हुआ है, 425 to 450 के अंदर इसमें 2 साइज है 1BHK का। एक बार अंदर से मैं आपको फ्लैट का व्यू दिखा देता हूँ ताकि आप समझ जाएँ घर बैठे। इसके बाद कुछ आपको रह गया हो समझने के लिए, देखने के लिए, या फ्लैट ख़रीदना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें, मैं और मेरी सेल्स टीम आपको बुकिंग से लेके टिल पोजीशन तक आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दोस्तों अभी मैं आपको 3BHK का इन्होंने सैंपल नहीं बनाया है, 3BHK का 3D बनाया हुआ है वो मैं दिखा देता हूँ, एक घर बैठे आपको अंदाज़ा मिल जाएगा, उसके बाद आप ख़रीदने के लिए हमें फ़ोन करें। यहाँ से आप 3BHK में जब एंट्री करते हैं तो आपको ये L शेप में पूरा लिविंग डाइनिंग का एरिया मिल रहा है। इसके बाद आप आगे एंट्री करते हैं तो आपको इस तरफ एक बेडरूम दिया हुआ है, उसके आगे आपको दूसरा मास्टर बेडरूम दिया हुआ है, और एक आपको यहीं पे देखें तो कॉमन वॉशरूम दिया हुआ है। इसके बाद आप लिविंग डाइनिंग से एंट्री करते ही जब लेफ्ट लेते हैं
तो लेफ्ट में फर्स्ट आपको किचन मिल जाता है, उसके बाद आप आगे से आके फिर से आपको एक मास्टर बेडरूम मिलता है। तो इसमें दो मास्टर बेडरूम, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक कॉमन बेडरूम, ये तीन मास्टर बेडरूम में जनरली जो कंसेप्ट रहता है वो। साथ ही साथ हॉल से पहले ही आपको किचन दिया हुआ है, ताकि ये जनरली ये बड़े बड़े बंगलों और रो हाउस में सिस्टम होता था कि स्टाफ या सर्वेंट को अंदर नहीं आना हो तो स्टार्ट में ही किचन दे देते थे। अब ये 3 BHK और 2 BHK के प्रॉपर्टीज़ में भी देखने को मिलता है कि हॉल से ही कनेक्ट फर्स्ट किचन दे देते हैं, वहाँ से जो काम करने वाली कोई मेड हो या स्टाफ हो या कुक हो, यहीं से काम करके वो बाहर चले जाएँ, उनको पूरे घर में एंट्री करने का जगह ही नहीं मिले। तो ये हिसाब से इन्होंने 3 BHK का प्लानिंग किया हुआ है। तो ये आप देख लें, अगर समझ नहीं आया तो आप हमें फोन करें, हम 3D प्लान आपको भेज देंगे, साथ ही साथ PDF भेज देंगे। उसके बाद फिर प्रॉपर्टी पे विजिट करने के लिए या डिटेल जानने के लिए, खरीदने के लिए आप हमें फोन करें। दोस्तों आगे मैं डिटेल आपको बताता हूँ इस प्रोजेक्ट का कैसा है। पहले भी मैंने डिटेल दिया है, लेकिन कुछ लोग बाकी रह गए थे जिनको कुछ डिटेल नहीं मिला था, तो मैं बता दूं इसमें आगे मैं डिटेल आपको बताता हूं। Over 4000 satisfied families with our company. Because we are working with Mumbai best reputed builders with 100 plus team members. We are providing services like your dreams, and we have received 100 awards and certificates with over 15 years of experience and 1200 project reviews on YouTube. The best real estate company, Property Plaza Vikas Barnwal. Inke kuch previous project bhi Godrej Platinum, Godrej City Woods, Godrej Panorama, Godrej Palms, kareeban 150 year, 150 saal purani company hai Godrej. 1.75 acre, yani pone 2 acre ka iska land area hai. सारे लैंड है, 39 माले की बिल्डिंग है ये, 39 स्टोरी, दो ट्विंग्स हैं इसमें, हर एक फ्लोर पे 7 फ्लैट, 5 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है इसमें। एमिनिटीज इसके सारे 6 फ्लोर पे है, 6 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है और रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हो रहा है 7th लेवल से। अगर रेरा के वेबसाइट पे अगर आप कुछ डिटेल देखना चाहते हैं, इसका महारेरा नंबर है P518000511172। ये इसका महारेरा नंबर है, इस रम नंबर के थ्रू आप रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं प्रोजेक्ट रिलेटेड क्या डिटेल है, क्या इसको CC मिला हुआ है, कितने फ्लोर की पासिंग है, लैंड का क्लियरेंस क्या है, ये सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं। रेरा में पोजीशन इसका नवंबर 2029 है, ये पूरे प्रोजेक्ट की बता रहा हूँ, बट बिल्डर आपको दिसंबर 2027 में हैंडओवर कर देंगे। अभी इसका फुल स्विंग में काम चल रहा है, पूरे टावर का CC रिसीव्ड है और सबसे बड़ा अट्रैक्शन जो है यहाँ पे नेशनल पार्क का और सिटी व्यू। नेशनल पार्क यानी पीछे का हिल व्यू, माउंटेन व्यू मिलता है आपको और सामने फ्रंट का सिटी व्यू भी मिलता है, हाईवे का व्यू मिलता है। ज़्यादातर हिंदू लोकैलिटी के लोग हैं, हिंदू एंड कॉस्मो लोकैलिटी के लोग हैं यहाँ पे और सारे बैंकों से अप्रूव्ड है। किसी भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन मिल जाएगा, जहाँ पे भी आपका सर्विस अकाउंट हो, बिजनेस अकाउंट हो। और कॉन्फ़िगरेशन इसमें 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों टाइप का है। थोड़ी देर में साइजिंग प्राइजिंग पे आता हूँ, जो भी इसका बॉटम प्राइस मैं आपको बताऊंगा। आगे इसके एमिनिटीज, स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल, स्पा एंड सलोन, बास्केटबॉल कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, जिम, गार्डन, वॉकिंग पाथ, स्केटिंग रिंग, ये सारा एमिनिटीज यहाँ पे दिया हुआ है, सारा एमिनिटीज दिया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का कुछ अट्रैक्शन है कि पहली बात तो रिप्यूटेड डेवलपर है, हिल व्यू, माउंटेन व्यू यानी नेशनल पार्क फेसिंग फ्लैट्स हैं, बालकनी सारे फ्लैट्स में है इसमें, इसमें विदाउट बालकनी और बालकनी दोनों है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या ले सकते हैं। ईस्ट वेस्ट फेसिंग यानी वास्तु कंप्लायंट इसमें प्रॉपर्टीज हैं और करीबन 150 ईयर ओल्ड कंपनी है। और यहाँ से कनेक्टिविटी की कुछ बात करूँ तो इसके आसपास लिटिल चैम्प्स प्री स्कूल, पुरार पुलिस स्टेशन, संस्कार कॉलेज, ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, इनोरबिट मॉल, डी मार्ट, ये सब आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस पे आप पहुँच जाते हैं। यहाँ से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे भी आपको बहुत नज़दीक लगता है। आगे अब इसके प्राइसिंग पे आते हैं। इसमें 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK तीन टाइप के तो फ्लैट हैं और 1 BHK का कारपेट एरिया 406, 418, 406 एंड 418 दो टाइप के इसमें 1 BHK है और जिसका प्राइस 90 लाख टू 1 CR के बीच में है, यानी कि 90 लाख से 1 करोड़ के बीच में है, जिसमें एक डेडिकेटेड आपको कार पार्किंग भी रहेगा। 2 BHK का कारपेट एरिया 656 एंड 695, 656 और 695 स्क्वायर फुट का, यानी दो साइज में इसका 2 BHK का कारपेट एरिया है, जिसका प्राइस 150 CR टू 2 CR यानी 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है। इसमें भी डेडिकेटेड एक कार पार्किंग रहेगा, जिसकी वैल्यू लगभग 10 से 12 लाख रुपए का है, जिसमें सारे टाइप की गाड़ी आप खड़ा कर सकते हैं। और अब आते हैं 3 BHK पे, 944 एंड 985, 944 एंड 985 स्क्वायर फुट,
यानी दो टाइप में इसमें 3 BHK है जिसकी प्राइस 2 CR to 2.50 CR 2 crore to 2.5 crore के बीच में है। इसमें भी आपको कार पार्किंग डेडिकेटेड एक आएगा, इसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन स्टाम्प ड्यूटी GST वगैरह अलग से लगेगा। ये जो मैंने एक प्राइस बताया ना, एक आइडिया दिया है कि इस प्राइस के टेंटेटिव में आपको आएगा। एग्जैक्ट आप प्राइस जानना चाहते हैं, बॉटम प्राइस क्या होगा, पेमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपका जो पेमेंट की स्थिति है उसके हिसाब से क्या हम करवा सकते हैं, तो इसके लिए आप ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करें, उसमें मैं और मेरी सेल्स टीम आपको हेल्प करेगी प्रॉपर्टी परचेस करने में। दोस्तों आगे के वीडियो में और भी कोई टेक्निकल चीजें समझ लें आप, बिल्डर से डील करना हो, नेगोशिएट करना हो, पूरा सिस्टम टेक्निकल क्या होता है वो आप आगे के वीडियो में समझें। बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो को देखने के बाद डायरेक्ट चले जाते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपर्टी डायरेक्ट लूंगा तो हमारा ब्रोकरेज का फीस यानी CP जो चैनल पार्टनर होते हैं उसका ब्रोकरेज चार्ज बच जाएगा। दोस्तों आपको एक बार बता दूं, बिल्डर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहां पे बैठ के प्रोजेक्ट को बेचे, क्या क्या चीजों को वो इंक्लूड करते हैं। जब कोई भी फाउंडेशन वो डालते हैं ना किसी प्रोजेक्ट का है, तो एक नई कंपनी बनाते हैं ज्वाइंट वेंचर में या फिर खुद की CA के द्वारा, और उसके बाद क्या क्या चीजें कैलकुलेट होता है एक प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए वो आज आप ध्यान से समझें। पहले तो लैंड का प्राइस कैलकुलेट होता है, उसके बाद जो CA के चार्जेस होते हैं, इंजीनियर का चार्जेस होता है, आर्किटेक्ट का चार्जेस होता है, साथ ही साथ ये सब होने के बाद फिर वो कंस्ट्रक्शन होगा, उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, चलो इस कंस्ट्रक्शन को पूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे और बना के उसको हैंडओवर। साथ ही साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन MBMC होती है, BMC होता है, TMC होता है, कहीं ग्राम पंचायत होता है, तो ये सारों जो गवर्नमेंट बॉडी जहाँ पे काम करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जहाँ पे काम करती है, वहां से परमिशन लिया जाता है। ये तो बेसिक बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का खर्चा हो गया। इसके बाद ऑफलाइन मार्केटिंग, जो हाईवे पे होर्डिंग्स लगता है, बोर्ड लगता है, उसका पैम्पलेट्स होते हैं, उसका ब्रोशर होता है, उसका ऑनलाइन मार्केटिंग में जिसमें वेब पोर्टल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं जिसमें मैजिक ब्रिक, 99 एकर, हाउसिंग, ये सब जो पोर्टल्स होते हैं। इसके बाद एजेंट मार्केटिंग की बात करता हूँ, जो रियल एस्टेट एजेंट यानी चैनल पार्टनर्स या प्रॉपर्टी डीलर्स को जो ब्रोकरेज दिया जाएगा वो भी ये सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर डिसाइड होता है कि प्रोजेक्ट का पर स्क्वायर फुट प्राइस क्या होगा। बिल्डर पहले से ही सारे प्राइस को इंक्लूड करके फिर वो एक पर स्क्वायर फुट प्राइस बनाते हैं। इसके बाद जो वो सेल्स टीम हायर करते हैं, सेल्स टीम का भी जो 2 से 3 साल में क्या खर्च आएगा सेल्स टीम को लेके, एक 10 लोगों की या 8 लोगों की टीम होगी उस प्रोजेक्ट को बेचने में, उसका भी पूरा एक एक्सपेंस जोड़ दिया जाता है। पूरा एक्सपेंस जोड़ने के बाद पर स्क्वायर फुट प्राइस डिसाइड करते हैं, फिर वो फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं कि ये प्राइस में बेचना है। तो फ्रेंड्स कहां से आपका प्राइस बचेगा ये आप एक कैलकुलेशन लगा सकते हैं। आप देखें कहीं कहीं पे सोल सेलिंग टीम नहीं होती और कहीं कहीं पे उनकी सेल्स टीम नहीं होती, तो किसी किसी को मैंडेट दे दिया जाता है कि भाई मैं 500 से 1000 फ्लैट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, मेरा काम है बनाना और आपका काम है सेल करना। दोस्तों उसमें ना एक अच्छा खासा पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट पे कमाई होती है मैंडेट टीम की। एक प्राइस डिसाइड होता है कि इतना बॉटम प्राइस आपका है, इसके ऊपर जो भी मैं प्राइस में सेल करूंगा पूरा का पूरा मेरा रहेगा। सपोज बिल्डर अगर 15,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट अगर प्राइस वो देता है सेल करने के लिए, और मैंडेट टीम जो होती है, सोल सेलिंग टीम जो होती है, अगर वो 16,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में बेचती है तो 1,000 रुपीज पर स्क्वायर फुट का उसको अलग से कमीशन बन जाता है। दोस्तों तो ये कोई आपको नुकसान करने वाली चीज नहीं है। और CP के साथ जाने में क्या फायदा है आपको, फर्स्ट टाइम जब विजिट करते हैं ना बिल्डर के प्रोजेक्ट पे उसी टाइम आप CP को साथ में लेके जाएं, नहीं तो कई बार ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकल की विकास जी मैंने जाके वहां पे विजिट किया है, अब आप बताइए प्राइसिंग में क्या करा पाएंगे। इस चीज को देख के दोस्तों मैंने कई बार देखा है कि एक बार जब आप बिल्डर के सिस्टम में एंटर कर जाते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पे आपका नाम, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब एक बार रजिस्टर हो जाता है, तो आप तकरीबन 3 से 6 महीने के लिए आप उनके साथ लॉक हो जाते हैं। उसके बाद जब क्लाइंट हमारे पास आते हैं, बायर हमारे पास आते हैं कि हमारा प्राइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर का ये कहना है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर है, इसमें आप इंटरफेयर ना करें। आप इंटरफेयर करेंगे तो फिर कुछ मतलब नहीं है, आपको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे, आपको हम काउंट ही नहीं करेंगे। तो कभी भी फर्स्ट टाइम जब आप बिल्डर के प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उसी टाइम अपने CP को साथ में लेके जाएं, जिसको भी उस प्रोजेक्ट के रिलेटेड नॉलेज है। अभी मैं जो भी मार्केटिंग कर रहा हूँ ना अपने चैनल पे, इस सारे प्रोजेक्ट का आप देखें तो डॉक्यूमेंटेशन, डिटेल, सब कुछ
हमें पता होता है, तब जाके हम उस प्रोजेक्ट का प्रमोट करते हैं अपने चैनल पे ऑनलाइन या फिर कोई भी वे से। प्रोजेक्ट का क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, उसका भी नॉलेज आपको नहीं है। रेरा के क्या नॉर्म्स लिखे हुए हैं, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट क्या है, कब उसका ओसी आने वाला है, क्या उसका बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट रहेगा, लीगल नॉर्म्स भी आपको पता नहीं होता है। उस एरिया में जो सीपी काम कर रहा है, चैनल पार्टनर काम कर रहा है, उसको पूरा ओवरऑल इन एंड आउट उस प्रोजेक्ट रिलेटेड पता होता है। दोस्तों कई बार हमने ऐसे बुकिंग करवाया है, देखा है कि जो डायरेक्ट कस्टमर गए हैं उन्होंने 15,700 में बुकिंग किया है, मैंने जो और मेरी टीम ने जो बुकिंग करवाया है 15,100-200 में बुकिंग कराया है। कहीं ना कहीं 600-700 रुपए का फर्क पड़ता है। 1,000 से 2,000 स्क्वायर फुट का अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो 700 के हिसाब से 1,000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी की कीमत में आपको 7 लाख रुपए का फर्क पड़ता है। करीबन अगर जोड़ी फ्लैट आपने लिया तो 14 लाख रुपए चला जाता है। ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे ना 2-5 हजार, 10 हजार का गेम नहीं होता। अगर थोड़ी सी चीजें आपको पता ना होना तो सीधे सीधे 10-15 लाख रुपए आप ज्यादा से ज्यादा दे के आ जाते हैं। और वहां पे क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या स्कीम चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कई बार तो ये देखने को मिला है कि बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, स्टाम्प ड्यूटी जो 6% 7% आज के मार्केट में चल रहा है वो डिस्काउंट होता है, कभी कभी रजिस्ट्रेशन चार्ज डिस्काउंट होता है, कभी कभी पीएलसी यानी प्रीफर लोकेशन चार्ज नहीं होता, कभी कभी फ्लोराइज नहीं होता जो आपको पता नहीं होता है। बोर्ड पे लिखा होता है स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट है, बट अब आप जाते हैं तो उसे कहते हैं डिस्काउंट का टाइम खत्म हो चुका है, अभी आपको स्टाम्प ड्यूटी भरना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और उसके नाम पे फिर आपसे 5 से 10 लाख रुपए ज्यादा ले लिया जाता है। ऐसे मैंने कई जगह एक्सपीरियंस किया है और बड़े बड़े ब्रांड का मैं आपको बता दूं डेवलपर हैं जिन्होंने ये काम किया है। मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहता ऑनलाइन, नहीं तो मेरे ऊपर काफी रिस्क हो चुके, काफी सारे केसेस भी चल रहे हैं, तो मैं ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन जनरल सी बात बता दूं, बड़े बड़े ब्रांडेड डेवलपर की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्टाम्प ड्यूटी डिस्काउंट बोल के कस्टमर से स्टाम्प ड्यूटी का पैसा ले लिया, फ्लोराइड ले लिया, और पीएलसी के नाम पे 4-4, 5-5 लाख रुपया ले लेते हैं ये कि भाई हम आपको फॉरेस्ट फेसिंग में देंगे तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, हाईवे फेसिंग में देंगे तो नॉर्मल प्राइस में सेल करेंगे। जो कोई इन्वेस्टर्स होते हैं ना वो जानते हैं प्रोफेशनल्स की कीमत। कई बार मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं एनआरआईस हैं अब्रॉड के हैं या इंडियंस हैं, तो वो कहीं भी ऑफलाइन ऑनलाइन उनको इन्फॉर्मेशन मिलता है प्रोजेक्ट का, तो वो सामने से आके एक बार कॉन्टेक्ट करेंगे कि विकास जी हमने ये प्रॉपर्टी देखा है, आप या फिर आपका कोई सेल्स पार्टनर हो हमारे साथ चलो, हमें वो प्रॉपर्टी परचेस करना है, क्योंकि उनको पता होता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो हमेशा उस काम को लेकर प्रैक्टिस कर रहा है, उसको जो नॉलेज है, उसको जो एक्सपीरियंस है, वो नॉलेज एक्सपीरियंस के साथ काम करेगा। तो आपका काम रोज का प्रॉपर्टी सेल करना नहीं है। आप 10 साल 20 साल 30 साल में जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना वही डायरेक्ट जाते हैं, कभी सीपी को छोड़ देते हैं तो कभी जो उनको रास्ता बताते हैं चैनल पार्टनर या ब्रोकर उनको छोड़ देते हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं कि मेरा ब्रोकरेज बच जाएगा। दोस्तों जो हर 2-3 साल में पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी में ट्रेडिंग करते हैं, उनका पर्सनली एक सीपी या ब्रोकर या प्रॉपर्टी डीलर होता है जिसको वो हर प्रोजेक्ट पे लेके जाते हैं, वहां पे जाके वेरीफाई करवाते हैं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चेक करवाते हैं, उनको सामने से ब्रोकरेज भी देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल पर्सन जो है वो अपने प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, उसको साथ में देना बहुत जरूरी है। ये नए लोग जो 10-20 साल, 30 साल में जीवन में एक दो बार प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, वही इस टाइप का काम करते हैं कि मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं और हमारा ब्रोकरेज बच जाएगा, उसको क्रॉस कर दूं। ये सब कभी ना करें, बहुत सारे नुकसान से आप बच जाएंगे, आपको बहुत बेनिफिट होगा सीपी के साथ जाने में। आप ज्यादा से ज्यादा 1, 2 या 3 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, हम लोग बिल्डर के साथ बल्क में साइन करते हैं, हम लोग 100-200 प्रॉपर्टी बेचेंगे। आप बिल्डर को 2 या 3 करोड़, 5 करोड़ का ट्रांजेक्शन कराएंगे, हम लोग 100-200 करोड़, 300-300 करोड़ दिलवाते हैं। आप एक जनरल सी बात सोचे दोस्तों, बिजनेस माइंडेड लोग जो ज्यादा पैसा देता है ना उसका ज्यादा वैल्यू होता है। अगर हम 200 करोड़, 300 करोड़ बिल्डर को देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, आप 1-2 करोड़ का अगर देने का कमिटमेंट कर रहे हैं, तो आप वो हमें ज्यादा इंटरटेन करेगा या आपको ज्यादा इंटरटेन करेगा, ये आप समझने की कोशिश करें। हम जाते हैं प्राइजिंग में सीधे जो वो प्राइस बोलते हैं उसमें 1,000 रुपीज 500 रुपए पर स्क्वायर फुट डाउन कर देते हैं कि भाई हम आपको इतना माल बेच के देंगे, इतना प्रॉपर्टी बेच के देंगे, इतना हम टर्नओवर करवाएंगे आपका। बिल्डर भी समझता है कि हाँ ये करवा सकता है, इनके पास इतनी कैपेसिटी है, मार्केटिंग है। वो जो बेनिफिट होता है ना हमें बल्क में बेचने के लिए, वो हम अपने कस्टमर्स को ले जाके देते हैं। दोस्तों एक बात बता दूं, कोई भी डेवलपर कोई भी बिल्डर हमें कुछ फ्री में नहीं देने वाला है। हम पूरा का पूरा टीम जो हमारी काम करती है वो कस्टमर के फेवर में काम करती है। कस्टमर को भी प्राइस कम करवा के देंगे, सर्विस भी देंगे, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, साथ ही साथ डेवलपर से जो हमें फीस मिलता है एज ए ब्रोकरेज एज ए सीपी चैनल पार्टनर का फीस मिलता है वो अलग, तो ये दोनों लेवल पे आपको बेनिफिट हो जाता है। एक आपके साथ एक सर्विस देने वाला पर्सन होता है, दूसरा
आप देखें तो डेवलपर को भी एक मोटा पैसा हमारी ओर से 1% उसको दिला देते हैं। वो अगर प्रोजेक्ट बेचने में एक साल लगेगा तो अगर हमारे जैसे पावरफुल एजेंट्स जो होते हैं जो 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं, जनरली उनको 6 महीने में पूरा प्रॉपर्टी बेच के दे देते हैं, पूरी बिल्डिंग बेच के दे देते हैं। इसके लिए वो हमें ज्यादा एंटरटेन करेंगे, हमारे से प्राइसिंग पे ज्यादा नेगोशिएशन करते हैं। आपसे तो बेहतर ही रहेगा 2-3 प्रॉपर्टी आप खरीदेंगे, हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी सेल करेंगे। इसीलिए हम लोग हमेशा कस्टमर के फेवर में ही काम करते हैं, ताकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी लेगा तो ही हम लोग फिर ब्रोकरेज बिल्डर हमें देगा, या तो हम एज ए चैनल पार्टनर वर्क करें, एज ए प्रॉपर्टी डीलर या फिर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट आप हैं तो हम हैं। कस्टमर के लिए ही हम लोग ज्यादातर काम करते हैं, क्योंकि कस्टमर अगर प्रॉपर्टी का पैसा देगा तो ही ब्रोकरेज हमें मिलेगा, ब्रोकरेज फीस हमें मिलेगा। तो हमारा कमिटमेंट हमेशा ये रहता है कि बिल्डर को तो करना ही है, साथ ही साथ कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे मिल जाए, उससे हमें कई फायदे होते हैं। एक फ्यूचर रेफरेंस हमारे लिए बढ़ जाता है, वो अपने रिलेटिव दोस्त को जाके बोलते हैं कि आप प्रॉपर्टी प्लाजा और विकास बरनवाल जी के साथ में काम करो या फिर उनके टीम के साथ में काम करो, आपको बेनिफिट होगा। डिमांड एंड सप्लाई, इन फ्यूचर अगर आप NRIs हैं या फिर आप केयर टेकिंग नहीं कर सकते हैं तो उसमें भी हमारी पूरी टीम होती है जो प्रॉपर्टी का केयर टेकिंग करना, बाद में रेंट आउट करना या फिर रीसेल करना हो जब उसका प्राइस एक लेवल पे हाइप हो जाता है तो, या फिर नए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसके लिए कुछ एडवाइजिंग हो गया या नया कोई अर्जेंट सेल प्रॉपर्टी आई तो वो एक नोटिफिकेशन देना, ये पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारे कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट कैसे दिलाएं ताकि वो फ्यूचर में हमारे लिए रेफर करे अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त को, अपने आसपास में रहने वाले लोगों को। दोस्तों सीपी के पास कई ऑप्शंस होते हैं, आपको पता नहीं होता कि एक लोकेशन में क्या क्या कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बट एक चैनल पार्टनर के साथ काम करने में आपको प्रॉफिट क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, उसके पास कई ऑप्शंस होते हैं जो उसी प्रोजेक्ट से मिलता जुलता है। उसमें भी आपको हेल्प मिल जाता है कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे सर्वे करना है। दोस्तों अभी जो हमने प्रोजेक्ट दिखाया आपको, ऐसे में नए नए प्रोजेक्ट हमेशा लेके आते रहता हूँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, नए कोई अर्जेंट सेल वाली प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कारम।